नमस्कार, आपका स्वागत है सतच में। आपके साथ मैं हूँ प्रियंका। बिहार से लेकर उन सभी राज्यों में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है जो कि नक्सल प्रभावित है, और दूसरी तरफ पूरा देश कोरोना की महामारी से भी जूझ रहा है जिसमें नक्सली भी शामिल है। आपको बता दें कि कोरोना काल में अब तक नक्सलियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और अब नक्सली राशन की महामारी से जूझ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल लॉकडाउन के चलते नक्सलियों को राशन नहीं मिल पा रहा है। बिहार के जमुई जिले में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिससे नक्सलियों पर दबाव बढ़ रहा है और वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। और तो और, कोरोना काल के चलते भी नक्सलियों की कमर भी टूटने लगी है। गौरतलब है कि अब तक कई नक्सलियों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है और इससे जुड़ा अब एक और मामला सामने आया है जहां नक्सली कोरोना काल में अब राशन के लिए परेशान हो रहे हैं। दरअसल कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में नक्सलियों को राशन नहीं मिल पा रहा है और लॉकडाउन की वजह से उनकी सप्लाई चेन भी ध्वस्त हो गई है और इसीलिए इस वक्त नक्सली राशन की कमी से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में नक्सलियों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। जी हाँ, एक तरफ नक्सल विरोधी अभियान के चलते पुलिस ने अब तक कई नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं लोन वर्राजू अभियान से प्रभावित होकर कई नक्सलियों ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है, तो वहीं कोरोना के चलते कई नक्सलियों की मौत भी हो चुकी है। इस साल 28 मार्च को जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के आनंदपुर के नक्सली योगेंद्र मिस्त्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आनंदपुर के लालू रविदास की गिरफ्तारी भी नक्सल केस में हुई, तो वहीं नक्सली पीकू यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 20 जून को मटिया बाजार से नक्सली वीरेंद्र दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तो वहीं 8 जून को चकाई थाना क्षेत्र के हांसीकोल जंगल से नक्सली छोटेलाल हांसदा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 15 जून को बरमोरिया से नक्सली साहब उर्फ अजीत और 19 जून को बेला गांव से श्यामलाल मुर्मू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं इसके अलावा खेरा और चरका पत्थर इलाके से भी नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही जानकारी और खबरों के साथ। तब तक लिए आप बने रहिए सिर्फ सच के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार।